नमस्कार, मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी हमें देख पा रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हम बता देते हैं कि हमारा जो ये सत्र है मैथमेटिक्स का है, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम क्या जानने वाले हैं मैथमेटिक्स में, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पार्ट 1 होगा ये। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपने 8th और 9th में भी लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, लेकिन आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। और इस पर हमें डिटेल में बताएंगी हमारी आज की एक्सपर्ट मिस सविता ग्राक मैम। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार जी, नमस्कार, और हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को भी प्यार भरा नमस्कार जी। सविता मैम है टीचर, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से। तो स्टूडेंट्स, आप हमसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने फीडबैक किस तरह से पहुंचा सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800440559 पर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in पर। और वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन एज अ पार्ट ऑफ जन भागीदारी और पीपल पार्टिसिपेशन फॉर G20 इनिशिएटिव। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी और मल्टीलेटरिज्म, इंडिया G20 प्रेजिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन आवर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. तो आइए शुरुआत करते हैं इस सत्र की। मैथमेटिक्स का ये सेशन है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, और हम रुक करते हैं सविता मैम की तरफ। मैम जी, बिल्कुल कुसुम जी, तो जैसा कि आपने अभी बताया कि क्लास 8 एंड 9 में हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, और अभी क्लास 10th में दे आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बिगनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, दैट व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्रेशन, जो हमारे बच्चों ने पहले पढ़ा है, एक बार हम रिकॉल करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो द वेरी फर्स्ट इट इज एक्सप्रेशंस। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्रेशंस? अगर हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, लाइक ए एक्स प्लस बी, वी आर राइटिंग 2x² - 3x + 5 और समथिंग लाइक दैट। सो मैं लिखती हूं कि मेरे पास कुछ मार्बल्स हैं, आपको नहीं बताया कितने हैं, लेट मी से दैट आई हैव m मार्बल्स, m नंबर ऑफ मार्बल्स, और मेरी फ्रेंड के पास मेरे मार्बल्स के ट्वाइस से 7 ज्यादा हैं। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, जिस वे में मैं अपनी फ्रेंड के पास कितने मार्बल्स हैं विद रिलेशन टू द मार्बल्स विच आई हैव, वो कितने हुए 2m + 7, क्योंकि हमने बोला था कि मेरे पास जितने मार्बल्स हैं उसके ट्वाइस से 7 ज्यादा हैं, दैट मीन्स 2m + 7। तो इस तरह से जब भी हम कोई बात को अलजेब्रिक फॉर्म में लिख पाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इक्वेशन से हमारा मतलब क्या है, इक्वेशन के फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स भी हैं EQUA, और अगर हम इसके साथ L लगा देते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है इक्वल। यानी कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर हम समथिंग इक्वल्स टू समथिंग शो करें, दैट इज नोन एज एन इक्वेशन। इफ आई एम राइटिंग 2x + 7 = 4, सो दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ इक्वेलिटी हमारे सामने है। हमने बताया कि कोई पर्टिकुलर थिंग इक्वल्स टू एनी अदर थिंग और एनी अदर वैल्यू और एनी अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं। इस चीज को मोर क्लियरली हम देखते हैं हेयर इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो व्हाइल डिस्कसिंग लीनियर इक्वेशन, डियर व्यूअर्स, इफ वी टॉक अबाउट द लीनियर इक्वेशंस, बेसिकली जब हमारे पास कोई इक्वेशन लीनियर होती है तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बट व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन, लीनियर वर्ड का मीनिंग क्या हुआ?
तो लीनियर के भी फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स अगर आप पिक करते हैं, सो दीज आर LINE, यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर एक लाइन ऑब्टेन करते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ऑल राइट, और कैसे इक्वेशन के कारण लाइन ऑब्टेन होगी? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वन इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस फोर इक्वल सेवन, टू वाई प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल्स अंडर रूट टू, हमारे पास रूट टू है, कोई वैल्यू डेसिमल में लिखी है, कोई वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में है, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। द ओनली थिंग इज दैट जो भी हमने वेरिएबल यहां पर यूज किया है उस वेरिएबल की जो पावर है हाइएस्ट पावर दैट शुड बी वन एग्जैक्टली, नाइदर लेस देन दैट नोर मोर देन दैट। तो यहां पर हम साफ देख सकते हैं दैट एक्स रेज द पावर वन इज गिवन एंड वाई रेज द पावर वन इज हियर। तो ये दोनों ही इक्वेशंस कैसी हुई? लीनियर इक्वेशंस। मोर ओवर अभी हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो हियर इट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सिंपल सा फंडा है, जब आपके पास एक ही वेरिएबल होता है, आप दो वेरिएबल्स का यूज नहीं कर रहे, ऑल दीज वैल्यूज। अब ये वेरिएबल वर्ड को भी एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। इफ आई एम राइटिंग वेरी प्लस एबल दैट मीन्स वेरिएबल। व्हाट डज इट मीन? वेरी का मतलब होता है कि बदलते रहना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ आई डू हैव सम अमाउंट इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ पैसे हैं, कितने हैं ये मैंने आपको नहीं बताया, तो आप कुछ भी गेस कर सकते हैं, मे बी रुपीज 10, मे बी रुपीज 20, रुपीज 50। सो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली अबाउट दैट, दैट मीन्स यू आर टेलिंग मी वेरियस वैल्यूज फॉर द सेम, तो दिस इज नॉन एज अ वेरिएबल। लेट मी से कि मेरे हैंड में रुपीज एक्स हैं, तो आप एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज इंडिकेट कर रहे हैं। ऑल राइट, तो दिस इज ओनली वन वेरिएबल, राइट? सो इफ आई एम राइटिंग एक्स प्लस सेवन इक्वल्स फाइव और 2y plus 3 equals 3 minus 9y, this हमारी लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड्स पर वेरिएबल y इज देयर, बट दोनों ही साइड्स पर द हाइएस्ट डिग्री ऑफ y इज 1, therefore दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेट अस डिस्कस नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हमने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि हम देख सकते हैं एक ही इक्वेशन में एक वेरिएबल एक्स भी आ रहा है और दूसरा वेरिएबल वाई भी आ रहा है, एंड वैल्यूज ए बी एंड सी दीज आर रिप्रेजेंटिंग सम कॉन्स्टेंट्स आउट ऑफ विच ए इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स, बी इज द कॉफिशियंट ऑफ वाई एंड सी इज डेफिनेटली द कॉन्स्टेंट टर्म। सो हमने अभी डिस्कस किया पूरे चैप्टर के नेम को डेप्थ में, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि क्या होता है, लेट अस टेक अ हाइलाइटर, या वेरिएबल का मतलब क्या होता है। हियर दिस एक्स एंड दिस वाई दीज आर रिप्रेजेंटिंग अ वेरिएबल। वी कम टू नो अबाउट लीनियर इक्वेशंस, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने पर एक लाइन ऑब्टेन की जाए, एक लाइन हमें मिलती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सिंस देयर आर टू वेरिएबल्स देन वी हैव टेकन एक्स एंड वाई एंड दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी एक ही क्वेश्चन में आपके पास दो इक्वेशंस होंगे। जैसा कि हमने यहां पर इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दो इक्वेशंस लिखी हैं, एंड द फर्स्ट इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड द सेकेंड इक्वेशन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, जहां पर ए वन बी वन ए टू बी टू रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, अभी देखिए ये जो सभी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू, इनमें किस तरह का रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की हेल्प से हम इजीली बता पाएंगे कि अगर हम इन दोनों लाइंस को
सेम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बात समझ आ रही है कि लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप दो लाइंस को एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, वी विल डिस्कस दीज ऑल थिंग्स राइट नाउ। सो सबसे पहले अगर हमने ये कोई भी ग्राफिकल अपना स्केल लिया है और इस ग्राफिकल स्केल पर लेट अस टेक इट हियर, अगर हम कोई भी दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट मी से दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन, सो वी कैन सी बोथ ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, लेट अस गिव देम नेम लाइन एल वन एंड लाइन एल टू, सो बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। इन द सेम वे इसी ग्राफ में हम कुछ अलग कलर से कोई और दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट दीज बी लाइंस एम वन एंड लाइन एम टू। तो हम देख सकते हैं कि एम वन एंड एम टू ये दोनों ही लाइंस किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एम वन एंड एम टू दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस बट दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी तरह से एक और केस पॉसिबल हो सकता है, उस केस को हम डायरेक्ट हाईलाइट करके ही दिखाते हैं। लेट मी से दिस इज वन लाइन, दिस इन येलो कलर, एंड आई एम टेकिंग वन मोर लाइन बट दैट लाइन इज एग्जैक्टली हैविंग द सेम पाथ एग्जैक्टली ऑन द प्रीवियस लाइन ओनली। सो इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो अभी हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है कि जो दो लाइंस हमें गिवन हैं वो दोनों पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या इनफाइनेटली मैनी उनके सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो आपको समझ आ जाना चाहिए जब भी हमें सेम प्लेन में दो लाइंस गिवन हैं, या तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, या दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पर, या फिर वो दोनों लाइंस होंगी कोइंसिडेंट। तो अभी को इंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, को इंसिडेंट का मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ दोज लाइंस विल बी कॉमन। ऑलराइट, लेट अस स्टडी इन डेप्थ विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस रिजल्ट पर हम फाइनली पहुंचेंगे। यहां पर हमने दो इक्वेशंस लिखी हैं। द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल जीरो, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x minus y minus 5 equals z। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक वेरियस वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इक्वेशन नंबर 1, फॉर विच द इक्वेशन सेटिस्फाइज। लेट मी से दैट x equals to 0। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 पुट करते हैं, अनडाउटेडली वी आर गेटिंग दैट y इज इक्वल टू 2। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी एक लाइन बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट टू पॉइंट्स। लाइन का पाथ क्या है वो जानने के लिए हमें उस लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले दो पॉइंट्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो एक बार हमने x को 0 पुट किया है, नाउ लेट अस पुट y इक्वल्स टू 0, और आप देख सकते हैं जैसे ही y को हम 0 पुट करते हैं वी आर गेटिंग x इक्वल्स 4, एंड देन लेट अस गिव वन मोर वैल्यू टू x, लेट दैट बी 1। अगर हमने x को 1 के इक्वल रखा तो हमारे पास वैल्यू ऑफ y आ रही है 1.5। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं, दिस इज 0, दिस इज योर पॉइंट 1, 2, 3। वी नो कि ग्राफ पर देर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स अबव द ओरिजिन ऑन y एक्सिस, द पॉइंट्स विल बी नेगेटिव एंड बिलो द ओरिजिन विल बी पॉजिटिव, एंड बिलो द ओरिजिन वी टेक द नेगेटिव पॉइंट्स देयर, negative 1, negative 2, then negative 3. Let us take a few points and try to represent these points on this. Okay. Yes. So the first point is 0, 2. That means the value of x is 0 and y is 2. Dear viewers, कोई भी ऐसा point जिस point के लिए x coordinate 0 है, definitely वो y axis पर exist करेगा. Similarly, अगर y की value 0 है, so that value will be existing on x-axis. So though our point is 4, 0, so it will be existing here on x-axis
तो लाइन बनाने के लिए दीज टू पॉइंट्स आर सफिशियंट. अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आगे चलते हैं, सो वी आर एबल टू गेट आर फर्स्ट लाइन विच इज एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल्स जीरो. बट वी हैव टेकन वन मोर पॉइंट विच इज 1 and 1.5, यानी कि जब x की वैल्यू 1 है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है 1.5. तो अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हैं इससे हमारा चेक साथ साथ हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि अगर तीनों पॉइंट्स ही सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, दैट मीन्स कोलिनियर हैं, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं. ऑलराइट, लेट अस टेक द सेकेंड इक्वेशन नाउ. एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, बिल्कुल उसी तरह से लेट अस पुट एक्स इक्वल्स 0. इफ यू विल पुट एक्स इक्वल्स टू 0, वी आर गेटिंग वाई इक्वल्स -5. अगर हम x की वैल्यू कुछ भी और एनीथिंग एल्स लेट अस से 1 पुट करते हैं तो चेक करेंगे साथ साथ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन दैट केस. इट इज नेगेटिव y, नेगेटिव 2 इक्वल 0 एंड ड्यू टू विच y इज नेगेटिव 2. इसी तरह से लेट अस पुट y इक्वल 0 और y को 0 पुट करने पर वी आर गेटिंग x टू बी 1.6666, दैट मीन्स 1.6 bar. तो आपके पास क्या आ रहा है बेसिकली, अभी सेकेंड इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम. ऑल राइट, इट इज 0 माइनस 5, सो माइनस 5 विल बी हियर. x इज 0, y इज -5, देन 1 माइनस 2. x इज पॉजिटिव एंड y इज -2, देन y इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1.6 इज समथिंग, यानी कि पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा. और लेट अस ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर. यस, यू विल टेक अ स्केल एंड यू विल ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल. हम देख सकते हैं कि दोनों ही लाइन्स किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं. और इन दोनों लाइन्स में अगर हम चेक करते हैं कि वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a1, a2, b1, b2 and c1, c2, सो हम किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे. लेट अस ट्राई फाइंडिंग दैट. What is the ratio of A1 and A2? अगर आप जनरल इक्वेशन से इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं विच आर A1x plus B1y plus C1 equals 0 and A2x plus B2y plus C2 equals 0. So what is the value of A1 here? That is the coefficient of x which is 1 and the coefficient of x in the second equation is 3. So the relationship or ratio of A1 and A2 is 1:3 here. Now we will find the ratio B1 and B2, which we are able to get that it is -2/1. हम देख सकते हैं ये दोनों ही जो values हैं totally एक दूसरे से different हैं, कुछ भी same नहीं है. तो आप कितनी भी equations को और pair of equations को इस तरह से draw करें, और draw करने पर अगर आपके पास a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, दैट मीन्स वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी एंड वाइस वर्सा. अगर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है डेफिनेटली ये रेशियो इक्वल नहीं हो सकता. तो हमें ये समझ आता है दैट a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. हम तीन चीजें यहां से ध्यान रखेंगे. सबसे पहली कि अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो हमारी लाइंस कैसी बनती है, दिस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. दूसरी बात जो है वो क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशंस कितने हैं इन दोनों लाइंस के. डेफिनेटली देयर इज ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन. और तीसरी बात, द सिस्टम ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो जब भी हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, चाहे एक सॉल्यूशन मिले चाहे बहुत से सॉल्यूशंस मिले, सो इन दैट केस द सिस्टम विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट. तो हम ये बात नोट कर सकते हैं कि वेन एवर a1/a2 एंड b1/b2 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इन दैट केस डेफिनेटली वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, डेफिनेटली एक ही सॉल्यूशन होगा और सिस्टम भी कंसिस्टेंट होगा. बिल्कुल इसी तरह से दो और इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिखी हैं. इन इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन इन द सेम मैनर आप फाइंड आउट करेंगे. हम इसको थोड़ा सा क्विकली लिखते हैं सॉल्यूशंस को. लेट मी पुट एक्स इक्वल्स टू 0, आई एम गेटिंग वाई इक्वल्स टू. इफ आई पुट वाई इक्वल्स 0,
आई एम गेटिंग एक्स इक्वल्स 4। आप कोई भी एक और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दैट मीन्स दिस इक्वेशन, कोई अलग सॉल्यूशन इसमें निकालते हैं, लेट अस पुट एक्स इक्वल्स 1। तो अगर हम इस इक्वेशन में एक्स को 1 पुट करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग, 4y माइनस 6 इक्वल 0, ड्यू टू विच y इज 1.5। नाउ लेट अस पुट x टू बी 2। x को जैसे ही हमने 2 पुट किया तो वी आर एबल टू गेट y इक्वल्स 1। थर्ड सॉल्यूशन शुड ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय यू पीपल सो दैट आपका आंसर जो है वो वेरिफिकेशन मोड में भी साथ साथ चला जाए। अगर दो सॉल्यूशन भी निकालते हैं लाइंस तब भी ड्रॉ हो जाती है, बट थर्ड मस्ट बी टेकन आउट। नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दीज पॉइंट्स आर 1, 2, 3, 4 एंड देन 1, 2, 3, 4 एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लेट अस टेक द पॉइंट्स। ओके, आप ये भी साथ साथ स्मार्टली वर्क करेंगे कि अगर हमारे पास सॉल्यूशंस में कोई भी पॉइंट नेगेटिव है ही नहीं तो आप नेगेटिव वैल्यूज -1, -2 तक भी लिख सकते हैं। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन इज 0, 2 एंड द अदर सॉल्यूशन इज 4, 0। और अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी लाइन को ग्राफ पर तो हम देख सकते हैं कि एक लाइन इस तरह से हमें अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इक्वेशन सेकंड को, सो लेट अस टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज 1, 1.5, दैट मींस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 1.5। डेफिनेटली ये पॉइंट हमें यहाँ सेम लाइन पर अवेलेबल हो रहा है। एंड द अदर पॉइंट हियर इज 2, 1, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 1। ये पॉइंट भी उसी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स हमारी जो सेकेंड लाइन है वो भी बिल्कुल सेम पहले वाली लाइन के ही बिल्कुल सेम पॉइंट्स को ही इंटेक कर रही है, उसके साथ साथ सेम पॉइंट्स फॉलो पाथ से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेशियो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें समझ आ जाएगा कि किस केस में ये दोनों लाइन्स जो है वो को इंसिडेंट लाइन्स बनती हैं। हमने डिस्कस किया है कि जब भी दो लाइन्स का पाथ बिल्कुल सेम होता है, पहली लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले सभी पॉइंट्स सेकेंड लाइन पर भी एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स वो को इंसिडेंट लाइन्स हैं। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ A1, A2। व्हाट इट इज, डेफिनेटली 1/2। लेट अस नाउ फाइंड B1/B2 विच इज 2/4, और कैंसिल करने पर हम लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह से जो थर्ड रेशियो है दैट इज C1/C2 विच इज -4/-8, और नेगेटिव साइन कैंसिल होने पर इसे भी लिखा जा सकता है 1/2। सो ऑल दीज थ्री रेशियोज 1/2, 1/2, 1/2। यानी कि हमें समझना है कि जब भी लाइन्स को इंसिडेंट होती हैं उस केस में A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होंगी। और यहाँ से जो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी हैं, द वेरी फर्स्ट इज लाइंस कैसी बनती हैं, दीज आर कोइंसिडेंट। द नेक्स्ट थिंग इज सॉल्यूशंस कितने हैं, क्योंकि सभी पॉइंट्स कॉमन है दोनों ही लाइंस के लिए, दैट मीन्स देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और तीसरी जो बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज कि हमारा सिस्टम कैसा है, दैट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने अभी बोला था कि जब भी सॉल्यूशन मिलता है, वेदर वन सॉल्यूशन मिलता है और बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो सिस्टम होगा कैसा, सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। तो ये दूसरी बात भी हमें ध्यान रखनी है। एक बात हमने अभी डिस्कस की नहीं थी या आपके माइंड में चल रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ A1/A2 और B1/B2 ये दो रेशियोज कैलकुलेट किए थे, हमने C1 और C2 कॉन्स्टेंट्स का जो रेशियो है वो कैलकुलेट यहाँ से किया ही नहीं। दैट मीन्स हम देख सकते हैं ये रेशियो आ रहा है 4/5, नेगेटिव साइन कैन बी कैंसल। तो C1/C2 चाहे A1/A2 के इक्वल आ जाए,
चाहे B1 अपॉन B2 के इक्वल आ जाए, चाहे टोटली डिफरेंट आ जाए, बट अगर यही दोनों अनइक्वल हैं तो आपको C1 अपॉन C2 की वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, वो कैलकुलेट करें या ना करें उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों इक्वल ना आने पर ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमारी जो लाइंस हैं वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज, इस केस में हम देखेंगे कि दोनों लाइंस, जी मैम, जी सविता मैम, 2 मिनट ही शेष हैं तो हम फटाफट जी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। जी जी बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टेलिंग द सेम। सो थर्ड केस डियर व्यूअर्स, जब आप सेम इक्वेशंस को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो इस केस में ये दोनों लाइंस बनेंगी पैरेलल लाइंस, और आपको थर्ड केस समझना है, दैट इज A1 अपॉन A2 इक्वल आ रहा है B1 अपॉन B2, यू कैन सी दैट इट इज 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, बट अगर आप थर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं, C1 और C2 को कैलकुलेट करने पर वी आर गेटिंग 2 अपॉन 3, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू रेशियोज। इन दिस केस लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी, आप कितना भी एक्सटेंड कर लें तो नो सॉल्यूशन होगा, और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और ये तो हमें समझ आ ही गया है कि लाइंस कैसी बन रही हैं, पैरेलल लाइंस बनेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और हमसे जरूर शेयर कीजिए, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। थैंक यू। जी धन्यवाद मैम, जैसा कि आपने कहा कि प्रैक्टिस करेंगे तभी वो जितना भी पढ़ाया गया है आपने जो सॉल्व करे हैं क्वेश्चन उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैम हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ज़रूर अपने फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे, और आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डियर स्टूडेंट जी, डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए। और जाने से पहले हम साझा करना चाहते हैं NCERT टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। NCERT textbooks for 2023-24 are available throughout the country, and these textbooks may be purchased directly from NCERT sale counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Guwahati, and these sales counter will be functional on all the days included gazetted holidays, Saturdays, Sundays from 9:30 a.m. to 6 p.m. You may also place order for the books online from our website ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorstep without any delivery charges. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download it for free from NCERT Diksha E-Pathshala website and mobile app. So dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in. Once again I will tell you the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor. तो इसके साथ ही हमारा आज का जो ये मैथमेटिक्स का सेशन यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप देखते रहिए ई विद्या चैनल, और जो भी आपके फीडबैक है हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।